क्या कहेंगे आज इस रैली का आयोजन आप लोगों द्वारा किया गया, किस वजह से किया गया? पहले तो सबको गोविंदा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो दिन में गोविंदा है और हमारे 187 कुलाबा विधानसभा में हम घूम रहे पिछले कुछ दिनों से, रात भर हॉस्पिटल घूम रहे। बेसिकली ये पीसफुल एक गाड़ी और बाइक की रैली निकाली है हमने, लोगों को ये मैसेज देने। हम जगह जगह हमारे मंडलों के पास रुक कर ये मैसेज देने वाले हैं अपने यूथ को कि आप ये खूबसूरत त्यौहार ज़रूर मनाइए, लेकिन सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखते हुए इसको मनाइए। बच्चे जो चढ़ते ऊपर थर पे टॉप पे, उनको हेलमेट हार्नेस ये हर चीज़ का आप ख्याल रखिए। बस ये एक शांति रैली निकाल के मैसेज दे रहे हैं सबको, और बस सुरक्षित रहे। बाकी तो ये हमारा भी एक बहुत खूबसूरत फेस्टिवल है, एंजॉय करें पर सेफ्टी के साथ। सर एक चीज़ आपने कहा कि अस्पताल के आपने दौरे किए हैं, तो किस तरीके के प्रिपरेशन वहाँ पर हो रहे हैं आने वाले पथकों के लिए? वैसे तो आप गोविंदा की तो छोड़ दीजिए, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तो वैसे ही कोई अवस्था ठीक नहीं है। अभी गए हफ्ते आपको पता है सेंट जॉर्ज के हॉस्पिटल में अनीस नाम का एक 30-32 साल का लड़का जो खुद स्वीपर था एक्सपायर हो गया, क्योंकि उसको टाइम पे सुविधा नहीं मिली, ध्यान नहीं मिला डॉक्टर्स का। तो गोविंदा तो बहुत दूर की बात है, इनको ऐसा लगता है कि बच्चे गिरते रहते हैं, तादाद में आते हैं, तो इस पर टिप्पणी करना मुझे ठीक नहीं लगता। वैसे भी हमारे लोकल MLA जो हैं राहुल नार्वेकर जी, इनका ध्यान है नहीं, सोए हुए हैं, कब जागेंगे अब भगवान को पता। इनको जगाने के लिए ही हम उठे हुए हैं, बट व्यवस्था हमको इतनी पता है कि गवर्नमेंट अस्पतालों की हिली हुई। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे पथकों के लिए या इस दिन मनाने वाले सभी लोगों के लिए? बस सेफ्टी इंजॉय करिए, पर सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, और जितने कम कैजुअलिटी हो सके उसके ऊपर ध्यान रखिए। सर गोविंदा के टाइम पर पर्यावरण के लिए क्या कहना चाहिए? पर्यावरण के लिए तो गोविंदा ऐसा त्यौहार है जहाँ ज़्यादा कोई फायर क्रैकर या मतलब चीज़ों का, बलून्स का या ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं होता। ये है कि लोग जो खाना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये रोड पे फेंकते हैं। तो बच्चों से ये एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ डस्टबिन दिखे या फिर आपके थैलियाँ होंगी बड़ी, उसमें कचरा जमा करके बाद में कहीं BMC के कोई अच्छे जो सुविधा वाली जगह आपके एरिया में वहाँ फेंकना है। सर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? उस दिन काफ़ी भीड़ भाड़ सड़कों पर देखने मिलता है। बिल्कुल, महिलाओं के ये आज कोई नई बात नहीं है हमारे देश में, एक ये एक प्रथा देखी गई है। अगर आप ऑब्जर्व करें और आप हिस्ट्री में जाएं, हर केस के जैसा एक केस होता है तो बैक टू बैक उस हफ्ते में या 10 दिन में आपको एक नहीं काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स नज़र आते हैं जहां औरतों पे अत्याचार होता है। इस चीज़ को बड़ी शर्मनाक चीज़ है कि हमारे गवर्नमेंट कभी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमारी औरतें हमारे सनातन धर्म के हिसाब से भी अगर आप देखें तो आदि शक्ति, औरत को एक आदि शक्ति का दर्जा दिया, उसके बिना हम अधूरे हैं। तो इस आदि शक्ति की कोई इज्जत करेगा या नहीं करेगा सरकार की तरफ से समझ में नहीं आता, पर करना ज़रूरी है। सब वो राजनीति के लिए लोग सारे नेता जो है गोविंदा के टाइम पे स्टेज पे नज़र आते हैं, मगर उसके बाद में कोई किसी को नहीं पूछता, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अब फिर लोगों को पूछना चाहिए, आम जनता को, कि इनको एंटरटेन क्यों करते हैं। अगर ये आपको बाद में नहीं पूछते या आपकी सेफ्टी को लेकर या आपकी ज़रूरतों को उस वक्त लेकर आपका ख्याल नहीं होता, तो फिर आप क्यों जाते हैं इनके? कोई गोविंदा अगर घायल होता तो उसको देखने भी नहीं जाते नहीं जाते हैं। क्योंकि इनको इनसे कहाँ फ़र्क पड़ता है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी बस वो रोटी सेकने आए हैं, सेक कर निकल जाएंगे। तो इनके अगर कोई गोविंदास अगर इस पे घायल होता है दहीहंडी के जन्माष्टमी के टाइम पर, तो क्या आप उनकी पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार रहोगे? बिल्कुल, हमारी ये सारी जितनी यूथ है मेरे साथ आज, ये सब मेरे भाई हैं, ये कोई मेरे कार्यकर्ता नहीं है, मेरे भाई हैं सब। और युवा से युवा फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष के नाते और इन सबके नाते मैं बोलता हूँ कि हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। हमको जहाँ जहाँ से फ़ोन आएगा हम वहाँ वहाँ भागेंगे ज़रूर, और उनकी मदद करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो आपकी पूरी एक टीम बनी हुई है इसके लिए? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कम से कम मेरे साथ 400-500 बच्चे तो हैं इस वक्त। थैंक यू सर।